अच्छा तो ये अहमियत है, ये औकात है बाप के फैसलों की। हाँ सॉरी अबू जी। मत बोलो ऐसे अल्फाज जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। बेटियां तो माँ बाप की बताई हुई हदें कभी पार नहीं करती, उनकी नाराजगी का ख्याल रखती हैं, उनकी परवाह करती हैं। अबू जी इसमें ना मुश्क की कोई गलती नहीं है, मैंने ही मुश्क को कहा था कि। बकवास बंद करो। खबरदार जो आइंदा ऐसी खराफात देखी या तो टीवी तोड़ दूंगा या तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, दिखाओ जाओ यहां से। वाह बड़ी अच्छी तरबियत की आपने, वाह। जल्दी करो। जी जी। अम्मी वो अब्बू जी सारी रात जागते रहे, वो ठीक से सोए नहीं। तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम्हें डांट डपटने के बाद वो सुकून से जाकर सो जाएंगे? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फजूल हरकत करने की जरूरत क्या थी आखिर। अम्मी हम बेटियां हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम इंसान भी तो हैं ना, गलती हो जाती है, ऐसी भी क्या बड़ी बात थी। वो आपने बात की फिर अबू जी से? कौन सी बात? अम्मी मेरे एडमिशन की और किसकी, पता वो डेट्स निकले जा रही हैं, अगर डेट निकल गई तो फायदा कुछ नहीं है। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि मैंने तुम्हारे अबू जी से बात कर ली थी और वो सोच में भी पड़ गए थे, मैं शायद उनको मना लेती, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी कल रात की हरकत के बाद अगर तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तो तुम्हारी खाम ख्याली है। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, जब बेटियां माँ बाप से छुप कर कोई काम करने लगे ना तो अपना एतबार खो देती हैं और उंगली उठती है मां की तरबियत पर। मैं किस मुंह से हिमायत करूंगी तुम्हारी? अब 8 बजे पूरे नाश्ता मेज पर होना चाहिए, तुम्हारे अब्बू जी वैसे खफा और नाराज होंगे। अब खड़ी मेरी मुंह देखो, पकड़ो ये लेकर जाओ। बट्टा लो, पहले मुझे तुम्हारी वजह से इतनी डांट पड़ी है। हाँ तो और क्या? रायमा जी मुझे चाय दे दो। जी अब्बू जी I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ना ख्याल रखूंगी। मैंने ही मुझको मजबूर किया था टीवी ट्रॉली अंदर लाने के लिए, मुझे टेलीफिल्म देखनी थी इसलिए I'm sorry। तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी? अगर मुझसे इजाजत ले लेती तो शायद मैं तुम्हें इजाजत दे भी देता, लेकिन एक बार चोरी पकड़ी जाए तो फिर माफी की कोई अहमियत नहीं रहती, समझ गई? अबू जी हमें माफ कर दें, बल्कि मुझे माफ कर दें, मुझे बड़े होने के नाते से समझाना चाहिए था, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अबू जी प्लीज आप इस तरह नाराज नहीं हो। बाजार से क्या मंगाना है? लिस्ट जी ये बना के रखी है मैंने। नाश्ता बस हो गया नाश्ता। अल्लाह हाफिज़ अबू जी। मुश्क जी तुम एमएससी कर सकती हो।
कल मेरे साथ चलना अपना फॉर्म भरने के लिए, मगर एक बात का ख्याल रहे, कल रात जो मेरा भरोसा तोड़ा है उस पर एतबार आते आते वक्त लगेगा। जी जी अबू जी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी कोई गलती नहीं करूंगी। थैंक यू अबू जी। हो गया तुम्हारा ख्वाब पूरा। अल्लाह का शुक्र है। अबू जी बहुत अच्छे, वैसे डांटते हैं लेकिन बहुत अच्छे।